व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता नहीं होगा तो मैं ही बताऊंगा, आप थंबनेल देख के वीडियो के अंदर आए हो। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इंडिया मोस्ट हाईएस्ट लेवल आईडी डैडी काली 92 लेवल की आईडी बैन हो चुकी है, जो कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं तो आप शॉक हो जाओगे। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, बैन मतलब कि आप सभी लोगों को लग रहा होगा बिल्कुल बैन हो चुकी है गाइस। वो अभी भी खेल रहे हैं, वो अपनी आईडी को खेल सकते हैं, लेकिन उसका फेसबुक आईडी डिसेबल हो गई है। काफ़ी सारे न्यूज़ से पता चला है कि उनकी फेसबुक आईडी है जो कि डिसेबल हो गई है, और वो फेसबुक यूज़ भी नहीं करते हैं, और उसकी आईडी इसलिए फेसबुक ने डिसेबल किया है। इंस्टाग्राम चलाते हैं वो, एंड इंस्टाग्राम की वजह से उनकी आईडी कुछ बैन सी हो गई है। बाय द वे वो फेसबुक यूज़ भी नहीं करते हैं, एंड काफ़ी सारे, जैसे कि आपको पता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों मिले हुए हैं, एंड व्हाट्सएप भी मिल चुका है। तीनों जो एक ही कंपनी के अंडर काम करते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है, अगर आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी करते हो, जैसे कि आप 50 फॉलोअर अनफॉलो कर देते हो या कुछ भी ऐसा हरकत कर देते हो, तो उसकी वजह से आपका फेसबुक अकाउंट पे हार्म पहुँचता है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हो चुके हैं। आजकल मेरे दोस्त की आईडी खुद हो गई थी, उसने थोड़े 10-15 बंदों को अनफॉलो कर दिया, एंड देन फेसबुक ने, अगर आप फेसबुक पे फ्रेंड को भी वो करते हो, अनफ्रेंड करते हो, तो उसकी वजह से भी आपकी आईडी डिसेबल देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारे बंदों को ये हो रहा है कि डिसेबल हो जा रही है, उसको वापस कैसे लाना है। तो मैंने अपने दोस्त को अपनी आईडी उसकी वापस ला के दी है। कई बार क्या हो रहा है कि आईडी डिसेबल हो जा रही है और आपको वेरीफाई करना पड़ रहा है, अपना अकाउंट फिर से वेरीफाई करना पड़ रहा है। आपका जो नंबर पड़ा है इंस्टाग्राम फेसबुक पे, आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। अगर आप सेटिंग पे जाके, फेसबुक की सेटिंग में जाके ऑप्शन होता है वेरीफाई का, वहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं फेसबुक अकाउंट को, उसके बाद आपका डिसेबल खुल जाता है। एंड देन काफ़ी सारे बंदों को तो वार्निंग भी दी जा रही है, आपका 48 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, 72 घंटे के लिए आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया गया। कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं काफ़ी सारे बंदों को, इसी तरह की दिक्कत मेरे लग रहा है कुछ डैडी कॉलिंग की आई है। अगर आप कुछ वेरीफाई कर सकते हो तो कर लो, वरना आप ये कर सकते हो कि काफ़ी सारे, जैसे कि आपने अगर 3-4 बंदों को अपना आईडी दिया है, वो अपना आपका आईडी बार बार खो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ हो सकता है गाइस। काफ़ी सारे दिक्कतें आती रहती हैं। मेरे 3-4 फ्रेंड हैं, उनको खुद ये दिक्कत आई है कि जैसे कि फेसबुक आईडी एक दूसरे की लॉगिन किया, उसकी वजह से अकाउंट डिसेबल हो जा रहा है। शायद ये फेसबुक का ग्लिच भी हो सकता है, एंड फेसबुक की सिक्योरिटी ऑथराइज्ड भी हो सकती है, कम्युनिटी गाइडलाइन से दे रहे हैं ये सब कुछ, तो कुछ भी हो सकता है। वैसे आप डैडी कॉलिंग के लिए ट्वीट करो, जाके ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को पता चले, एंड ट्विटर का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके एंड ट्विटर को डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद अगर टाइम लगे तो मुझे फॉलो भी कर दीजिएगा, और ट्वीट भी कर दीजिएगा फेसबुक को टैग करके कि कुछ ऐसा तरह के ग्लिच चल रहे हैं। और ट्विटर से ही पता चल जाता है कि ट्विटर ही सॉल्व कर लेता है, ट्विटर से आपको पता चल जाता है कि आपके कैसे ग्लिचेस चल रहे हैं, आपको लोग टैग करके क्या बताना चाहते हैं, तो उससे फेसबुक के बग सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि फेसबुक काफ़ी पुरानी कंपनी है और उसने तीन ऐप गेर लिए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप इसके अंदर हो चुके हैं, तो काफ़ी इससे जानने को मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। डैडी कॉलिंग।